Hello students, today we do the module 5 of our grammar book. The first chapter is determiners. The word used before nouns or noun phrases to determine or fix their meaning are called determiners. Determiners वो word होते हैं जो किसी noun या फिर noun phrase से पहले उनके अर्थ को fix करने के लिए use किए जाते हैं. They refer to something specific or particular. वो किसी विशेष वस्तु के लिए वस्तु को refer करते हैं. Kinds of determiners. First type is article. Article are those words that indicates a noun. It has two types, definite and indefinite. Definite article is the and indefinite article is a and an. द इज रेफर टू अ स्पेसिफिक द जो किसी स्पेसिफिक नाउन को रेफर करता है. ए और एन ये दोनों रेफर करते हैं किसी जनरल नाउन को. इट मीन्स जो द है वो उन स्पेसिफिक नाउन के लिए यूज़ किया जाता है जिनको हम पहले से जानते हैं, और जबकि ए और एन का यूज़ उस नाउन के लिए किया जाता है जिसको पहली बार हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल्स, यू विल सी अ मैन इन अ रेड शर्ट वेटिंग एट द स्टेशन. यू विल सी अ मैन, आपने एक आदमी के को देखा रेड शर्ट में वेटिंग एट द स्टेशन, स्टेशन पर वेट करते हुए. द मैन इज माई अंकल. यहाँ पर जो मैन है उसको पहले ही बार जब इंट्रोड्यूस करवा किया जा रहा है तो हम उसके लिए किसका यूज़ कर रहे हैं, ए एंड एन का. और जब उसको इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, हम पहचान चुके हैं उस व्यक्ति को, तब उसके बाद किसका यूज़ किया जा रहा है मैन के साथ, द का. द मैन इज़ माय अंकल. ही इज़ सर्चिंग फॉर एन एफिशिएंट मैनेजर टू लुक आफ्टर हिज बिजनेस. और वो किसी एफिशिएंट मैनेजर की को देख रहे हैं, यानी कि कार्यकुशल मैनेजर को अपने बिजनेस के लिए ढूंढ रहे हैं. द सेकेंड डिटरमिनर्स इज़ पजेसिव. पजेसिव लाइक माई, योर, हिज, हर, इट्स, अवर, देयर. ऑल दिस वर्ड्स इंडिकेट्स अ सर्टेन थिंग और पर्सन बिलोंग्स टू समबडी. ये किसी उस वस्तु को इंडिकेट करते जो किसी व्यक्ति को बिलोंग करती है. फॉर एग्जाम्पल, माई कजन वाल्टर नीड्स हेल्प. His aunt shall be visiting them soon. Our house is located in the best part of the town. Her dress is always neat and clean. All these words indicate those person or things that जो किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से related है. ये word सिर्फ उन्हीं को indicate करते हैं. Demonstrative है जो डिटरमिनर है वो डिस्क्राइब करता है किसी भी वस्तु की पोजीशन को. लाइक दिस, दैट, दिस एंड दोज. एग्जांपल्स, लुक दिस एग्जांपल्स. दिस बैग इज क्वाइट एक्सपेंसिव. दैट बॉक्स मस्ट बी केप्ट केयरफुली. दिस गर्ल्स आर वेरी सीरियस अबाउट देयर एम्बिशन. दोज मैन शैल बी पार्ट ऑफ द रेस्क्यू टीम. All these words here indicate the position of a object. Like this bag, that box, these girls, ये लड़कियाँ, those men, वो आदमी. Distributive determiners, it gives information about the noun. यानि कि हमें noun की जो information देते हैं. Like all, each, every, both, neither, either, other, another, enough, most, several, both, etc. Look these examples. All the relatives had arrived for Mansi's wedding. Several members disagreed on the core issue. Each book had been put in its proper place. Neither of the girls remembered to carry a water bottle for the picnic. Here these nouns give the information about noun. Like all the relatives, सभी relative, several members, कुछ member, each book, प्रत्येक book, neither of the girls, लड़कियों में से कोई भी नहीं. Quantifiers nouns, जैसा कि इसका name से पता चल रहा है, यह show करता है किसी चीज़ की quantity को. Like
few, little, much, many, a lot of, most, some, any, more, less, etc. Now look the examples. Few men take the turban to keep a promise. I can manage a bath with any soap. Can I have some old newspapers? A lot of students had gathered in the ऑडिटोरियम. फ्यू मैंस यानि कि कुछ आदमी. एनी सोप कोई भी साबुन. सम ओल्ड न्यूज़पेपर कुछ पुराने अखबार. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कुछ विद्यार्थी. नंबर्स डिटरमिनेंट्स हैज टू टाइप्स कार्डिनल्स और एंड ऑर्डिनल्स. कार्डिनल्स आर 1, 2, 3 लाइक इट. ऑर्डिनल्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड. Look the examples. I own 2 mobile phones. Give me your second phone. Go and buy 3 dozen bananas. The third girl in this row is my younger sister. Interrogatives. Interrogative जो जिनके बारे में हम कोई question put करते हैं. Which, what, whose. Examples. Whose trouble are you worried about? Which movie do you intend to watch today? यानि कि किसी जो बहुत सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ों को पसंद करने के लिए जिन डिटरमिनर्स का यूज़ होता है इज कॉल्ड इंटरोगेटिव डिटरमिनर. What gadget amazes you the most? Here we do the first determiner article, indefinite article. A and N are used for singular countable nouns or and they introduced for the first time. A and N का use सिर्फ उन nouns के लिए किया जाता है जिनको पहली बार introduce किया जाता है. A determiners a singular countable noun beginning with the consonant sound. A जो determiners है उसका use उन words के साथ किया जाता है जो consonant sound जिनकी जो साउंड है स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट होती है. जैसे आई सा अ मूवी. सी फाउंड अ बुक. एन डिटरमिनर्स अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगनिंग विद द वावल साउंड. और एन का यूज़ उन डिटरमिनर्स के लिए किया जाता है जो किसकी साउंड देते हैं वोवल की. लाइक वी सा एन एप्पल इन द बास्केट. आई विजिटेड हिम एन आर एगो. यहाँ पर जो एन है एन का जो यूज़ किया जाता है वो वावल साउंड के लिए किया जाता है और ए का यूज़ कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए. रिमेंबर द इनिशियल साउंड्स नोट द स्पेलिंग्स इज इम्पोर्टेंट. किसी भी वर्ड की जो इनिशियल साउंड होती है यानि कि प्रोनंसिएशन वो इम्पोर्टेंट होती है ना कि उनकी स्पेलिंग्स. द फ्लोइंग वर्ड्स बिगिन विद द वावल लेटर्स बट आर प्रोनाउंस्ड विद कॉन्सोनेंट साउंड्स. बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो वावल लेटर से तो शुरू होते हैं लेकिन जो अब उनको प्रोनाउंस किया जाता है बोला जाता है तो उनकी साउंड कैसी हो जाती है कॉन्सोनेंट. सो दे टेक अ बिफोर देम. इसलिए उनसे पहले क्या आता है आ का यूज़ किया जाता है. जैसे आ यूनिवर्सिटी आ यूरोपियन आ यूनिफॉर्म. इन सभी वर्ड्स में पहले के जो लेटर है वो क्या है वोवल लेटर है लेकिन जब हम उनको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वो साउंड कैसी आ रही है हमारी कॉन्सोनेंट की. इसलिए यहाँ पर किसका यूज़ हुआ है आ का. जैसे आ यूनिवर्सिटी आ यूरोपियन आ यूनिफॉर्म आ यूनिट आ 1 rupee note आ 1-eyed monster. द फ्लोइंग वर्ड्स बिगिन विद कॉन्सोनेंट लेटर्स बट आर प्रोनाउंस्ड विद वोवल साउंड्स. और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कॉन्सोनेंट जो लेटर है उनसे शुरू होते हैं लेकिन प्रोनाउंस किससे होते हैं वोवल साउंड से. सो दे टेक एन बिफोर देम. इसलिए उनसे पहले किसका यूज़ किया जाता है एन का. जैसे एन आर एन एम पी एन एस पी एन ओनर. हेयर आर दीज वर्ड्स. जो इंग्लिश वोवल्स होते हैं वो कितने होते हैं 5 होते हैं. लाइक ए ई आई ओ एंड यू. इसके लिए हमें जो इंग्लिश में फोनेटिक्स सीखने की इतनी ज़रूरत नहीं है इसके लिए
हम सिर्फ चेक करेंगे कि उनकी जो प्रोनाउंस है उनकी साउंड कैसी आ रही है। जो हिंदी लेटर्स हैं हिंदी के वोवल हिंदी लेटर्स, वो हमें इसको समझने में ज़्यादा हेल्प करते हैं और हमें जो फोनेटिक्स होते हैं उसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आकार, इसको जो फर्स्ट लेटर है जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं सिर्फ उसको चेक करना है। कार कै आया हुआ है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, ए। यूनिवर्सिटी, जो फर्स्ट लेटर है वो यू है, लेकिन जो इंग्लिश का वोवल लेटर है लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो क्या आया हुआ है, यू, तो इसलिए इसके साथ क्या आया, आ। ऑनेस्ट, जो फर्स्ट लेटर है इसका वो क्या है, इंग्लिश का कॉन्सोनेंट यानि कि व्यंजन लेटर है, लेकिन जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो क्या आया, ऑनेस्ट यानि कि वोवल आया हुआ है हिंदी का, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, एन। यानि कि हिंदी के जितने, अगर किसी वर्ड को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हिंदी का अगर उस वोवल लेटर आ जाए तो उसके साथ क्या आएगा, एन का यूज होगा। एन आर, जैसे आ, एन, तो इसके साथ एन का यूज करेंगे, आ, यू, तो इसके साथ आ का यूज होगा। एन एन पी, जो लेटर है वो हमारा कॉन्सोनेंट है लेकिन जब इसको प्रोनाउंस किया तो क्या आया, वोवल आया हिंदी का, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, एन का यूज। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सम वर्ड्स बिगिन विद द सेम लेटर बट आर प्रोनाउंस्ड विद डिफरेंट ओपनिंग साउंड्स। बहुत सारे जो सेम लेटर से शुरू होते हैं लेकिन प्रोनाउंस जब उनको किया जाता है तो उनकी साउंड है, ओपनिंग साउंड है, वो डिफरेंट होती है। अटेंशन मस्ट बी पेड टू द ओपनिंग साउंड्स ऑफ द वर्ड्स बिफोर प्लेसिंग ए एंड एन। जैसे एन ऑनेस्ट मैन बट अ हम्बल सर्वेंट, यहाँ पर जो, यहाँ पर किसकी साउंड आई हुई है, वोवल की प्रोनाउंस करते टाइम, और यहाँ पर किसकी साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट की। इफ एन एडजेक्टिव कम्स बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यदि किसी जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव का यूज हुआ है, द ओपनिंग साउंड ऑफ दैट एडजेक्टिव डिसाइड द चॉइस बिटवीन ए और एन। तो ए और एन का यूज, जो नाउन के साथ एडजेक्टिव का यूज हुआ है उसकी ओपनिंग साउंड पर डिपेंड करेगी कि वहाँ पर ए का यूज होगा या फिर एन का। हाउएवर द फंक्शन ऑफ डिटरमिनर इज परफॉर्म्ड फॉर द नाउन एंड नॉट फॉर द एडजेक्टिव। यहाँ पर जो डिटरमिनर है वो परफॉर्म करता है नाउन, यहाँ पर जो डिटरमिनर है वो नाउन की बजाय किसके किसके साथ परफॉर्म करता है, एडजेक्टिव के लिए। जैसे आ रेड एप्पल एन अमेजिंग कार, यहाँ पर ए का यूज वो रेड इसकी साउंड के, इसकी प्रोनंसिएशन के साथ यूज हुआ। आ अमेजिंग, यहाँ पर जो वर्ड है वो एडजेक्टिव की वजह से यहाँ पर एन डिटरमिनर्स का यूज हुआ। ए एन इज यूज व्हेन रेफरिंग टू अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ पर्सन। जब हम किसी सिंगल ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन को रेफर करने करते हैं तो ए और एन का यूज़ किया जाता है। जैसे एन ऑरेंज अ नेकलेस, बिफोर ए नाउन मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर हम उस नाउन के लिए यूज़ करते हैं जिसको पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर मेंशन कर रहे हैं। जैसे आई हैव नेवर सीन अ स्नो लेपर्ड, द पुअर मैन हैज़ नेवर टेस्टेड एन एप्पल। बिफोर अ नाउन विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास, या फिर उस नाउन के साथ जो किसी क्लास को रेफर कर रहे हैं। आ फ्लावर ब्रिंग्स स्माइल टू द फेसेस, यहाँ पर आ फ्लावर का मीन्स एक फ्लावर से नहीं है, जो फूल है वो सभी के फेस पर क्या लेकर आता है, स्माइल लेके आता है, लेकिन यहाँ पर फ्लावर कोई भी हो सकता है, तो इसकी ये किसको इंडिकेट कर रहा है, फ्लावर्स थी सभी क्लास के, यानी कि ऑल फ्लावर्स मेक वन हैप्पी, कोई भी फूल वो हमें हैप्पी कर सकता है, ये यहाँ पर जो ए फ्लावर है वो क्लास को इंडिकेट कर रहा है। टू एक्सप्रेस क्वांटिटी, क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे एन एकर ऑफ लैंड, अ कपल ऑफ बॉक्सेस, अ पेयर ऑफ टोंग्स, अ लॉट ऑफ वाटर। बिफोर यूनिट्स ऑफ प्राइस स्पीड रेशियो वेट, किसी भी यूनिट से पहले, जैसे बासमती राइस इज 75 रुपीज़ अ किलो, दिस जीप रन 15 किलोमीटर इन अ
लीटर, यानि कि जो यूनिट्स होती हैं उनसे पहले किसका यूज़ किया जाता है, आ का, यानि कि इनडेफिनेट आर्टिकल का। बिफोर सर्टेन मेंबर्स, सॉरी सर्टेन नंबर्स, सर्टेन नंबर्स के लिए, किसी भी नंबर के लिए, जैसे आ हंड्रेड, आ बिलियन एंड एरा। इन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए, जैसे आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स ट्विस अ डे, मैं अपने पेरेंट्स के पास उसमें सॉरी वीक में दो बार विजिट करता हूँ। ये किसको शो कर रही है, फ्रीक्वेंसी को। वी हैव म्यूजिक लेसन्स वंस अ मंथ। इन सर्टेन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस, जब हम काफ़ी आश्चर्य हो जाते हैं, आश्चर्य या फिर हमें कोई एकदम से कोई सरप्राइज मिलता है, जैसे व्हाट अ नाइस बुक, व्हाट अ पीटी। बिफोर नेम्स ऑफ प्रोफेशंस, प्रोफेशंस के नेम से पहले, ही इज अ डॉक्टर, शी इज एन इंजीनियर। बिफोर नेशनलिटीज एंड रिलीजन्स, जो हमारे नेशनलिटीज होते हैं किसी की नागरिकता के लिए या फिर धर्म के लिए, हम किसका यूज़ कर, उनसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, ए एंड एन का। मैरी इज एन इंग्लिश वूमन, राहुल इज अ हिंदू। ए एन इज नॉट यूज बिफोर प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन से पहले ए और एन का यूज़ नहीं होता, जैसे नॉट अ डॉग्स, यहाँ पर हम ए का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बट डॉग्स, सम डॉग्स, मैनी डॉग्स एंड फाइव डॉग्स, इन सब के साथ हम ए का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे आ डॉग्स ऐसे भी यूज़ नहीं कर सकते, आ सम डॉग्स ये भी हमारा गलत होगा, आ मैनी डॉग्स यहाँ भी गलत होगा, सिर्फ हम किसके साथ कर सकते हैं, नॉट अ डॉग्स के साथ। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले भी हम किसका यूज़ नहीं कर सकते, ए और एन का। नोट अ राइस, यहाँ पर नोट के साथ तो यूज़ किया जा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, नाउन में अगर नोट आया हुआ है तो उसका यूज़ होगा, लेकिन अगर वो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ हम नोट लगाकर ए और एन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वैसे हम सिंगल तौर पर ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, जैसे आ राइस, आ डॉग्स, ये हमारा रोंग होगा। आ किलो ऑफ राइस, आ ग्रेन ऑफ राइस, ऐसे हम राइट कर सकते हैं, नोट आ मनी बट आ लॉट ऑफ मनी। बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले, जैसे नोट एन एडवाइस, बट आ पीस ऑफ एडवाइस, सम एडवाइस। अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी ए और एन का यूज़ नहीं होता, लेकिन जब हम वो फिक्स हो जाते हैं यानि कि एक का बोध होता है तभी हम ए का यूज़ करेंगे, जैसे आ पीस ऑफ एडवाइस, सम एडवाइस, या फिर इन्फॉर्मेशन। हम कभी भी ए आ इन्फॉर्मेशन कभी भी राइट नहीं करते, हम कैसे राइट करते हैं, आ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। दैट दिस इज रॉन्ग और दिस इज राइट, या फिर अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, इस तरह हम इसका यूज कर सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, लेकिन डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, किसी भी मील्स का नेम है उससे पहले भी ए और एन का यूज नहीं किया जाता। डिनर स्टार्ट्स एट एट, नोट ए एन इज प्लेस्ड इफ इट इज अ स्पेशल मील। ए और एन का यूज़ किया जा सकता है यदि वो स्पेशल मील हो, जैसे आर टी फॉर द वेडिंग पार्टी। बिफोर प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन से पहले भी हम ए और एन का यूज़ नहीं करते, जैसे राकेश, प्रॉपर नाउन्स कौन से होते हैं, जो किसी विशेष सॉरी किसी भी व्यक्ति का नेम है, प्लेस का नेम है, वो हमारे क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन्स। जैसे राकेश, कंपेयर आ राकेश मीन्स समवन बाय द नेम ऑफ राकेश, बट आई डोंट नो हिम। अगर हम ए राकेश का यूज़ करते तो हम उस बंदे को नहीं जानते। बिफोर नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड स्पोर्ट्स यूज इन अ जनरल सेंस, अगर हम किसी जनरल सेंस में किसी फेस्टिवल या स्पोर्ट नेम से पहले
भी ए और एन का यूज नहीं होता, जैसे क्रिसमस, फुटबॉल। इन सर्टेन आइडोमेटिक एक्सप्रेशन एंड स्पेशल फ्रेसिस, गो टू स्कूल, बाय बस, ऑन फुट, इन बेड, एट डिनर, गो होम, और इन सब के साथ भी हम ए और एन का यूज नहीं करते। फिर स्टूडेंट्स, दिस इज द असाइनमेंट ऑफ आर्टिकल। असाइनमेंट नंबर 39, टूडेज वर्क इज to do the exercise of 39 pages. Thank you.